एनकेएस क्लासेस। देखिए गाइस, आज हम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशंस देखेंगे। इसके पहले हमने रूल्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखे थे, वो वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वो वीडियो देख लेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल आप जान जाएंगे, उसके बाद अगर आप रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रूल्स ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन और रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन दोनों को कंपैरिजन कर पाएँ, क्योंकि इनको कंपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जो रूल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के होते हैं वही रूल वो मल्टीप्लिकेशन में लगाते हैं, और जो रूल्स मल्टीप्लिकेशंस के वही वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लगाते हैं। इसकी वजह से मेजर प्रॉब्लम यहीं पर क्रिएट होती है। ठीक है, आपको मैं बताते भी जाऊंगा कि कैसे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो वैल्यूज़ को, तो अगर मेरी पहली वैल्यू प्लस में हुई, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया दूसरी वैल्यू से, और दूसरी वैल्यू अगर मेरी प्लस में हुई, ठीक है, तो उन दोनों को पहले तो हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा, उसका मेरा जो आंसर साइन रहेगा वो साइन मेरा प्लस का ही होगा। तो इसमें ये रहता है मल्टीप्लिकेशन में। देखिए मैं एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे मैंने लिखा 2 × 7, तो पहला स्टेप तो रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन में ये रहता है कि आपको बिना सोचे समझे साइन को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले तो सीधा मल्टीप्लाई करो, 2 × 7 = 14, तो मैंने 14 लगा दिया। अब अगर मेरी पहली वैल्यू प्लस में है और दूसरी भी वैल्यू प्लस में है, तो मेरे को फाइनल आंसर में भी प्लस का ही साइन लगाना पड़ेगा। यहाँ पर हम ये चीज़ नहीं देखते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है उसका साइन लगाएंगे। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है कि जो वैल्यू बड़ी होगी फाइनल आंसर में वही साइन उसका लगेगा, ऐसा मल्टीप्लिकेशन में नहीं। ऐसा किस में होता है? रूल्स ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, एक और मैं वैल्यू लेता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया 8 × 4। ठीक है, तो 8 × 4 = क्या होगा, पहले तो मेरे को सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, तो 32, और फिर अगर दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में प्लस में होती हैं तो उनका फाइनल आंसर भी किस में आता है? प्लस में आता है। इसमें हम ये नहीं देखते हैं कि जो वैल्यू बड़ी होगी उसका साइन आएगा, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? प्लस प्लस मतलब प्लस, फाइनल आंसर में भी प्लस ही आएगा, कन्फर्म। चलो दूसरा देखते हैं, अगर मेरी पहली वैल्यू प्लस में हुई, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है दूसरी वैल्यू से, और अगर मेरी दूसरी वैल्यू माइनस में हुई, तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मेरा फाइनल आंसर आएगा उसका जो साइन रहेगा वो माइनस का ही रहेगा। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता है कि आपका जो वैल्यू बड़ी है उससे कोई इधर पे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ठीक है, मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। और जबकि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये देखते थे जो वैल्यू बड़ी होती थी उसका वही साइन लगता था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में तो बस प्लस माइनस मतलब माइनस, फाइनल आंसर माइनस का ही साइन लगेगा उसमें, फाइनल आंसर में। चलिए देखिए एग्जांपल से, जैसे मैंने लिखा 2 × −7। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि पहली वैल्यू प्लस में है, दूसरी वैल्यू माइनस में। अच्छा, पहले तो हमें साइन देखना ही नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई करो पहले। तो 2 × 7 = 14 = मैंने लगा दिया 14। अब देखना है हमें साइन को। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में याद रखना, सीधा मल्टीप्लाई करो उसके बाद साइन देखो। तो अब देखो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये साइन माइनस का ये देख के नहीं लगाया कि 7 बड़ा है तो उसका साइन, नहीं ऐसा नहीं है। सीधा सीधा अगर प्लस माइनस होता है तो माइनस लगता है। चलो एक और एग्जांपल, 8 × −4। तो पहले मल्टीप्लाई करो, 8 × 4 = 32। अब देखो पहली वैल्यू प्लस में, दूसरी वैल्यू माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया, क्यों? क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन था। ठीक है, अब यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि 8 बड़ा है ना, तो 8 का साइन तो मैंने यहाँ पे नहीं लगाया ना। तो यही फ़र्क है किसमें? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल में और मल्टीप्लिकेशन के रूल में। क्लियर है? आई होप आपको साफ क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बिल्कुल आराम से करके बता सकते हैं, बिल्कुल आपके पूरे डाउट क्लियर करूंगा मैं। चलिए देखिए तीसरा देखते हैं, अगर मेरी पहली वैल्यू माइनस में हुई और दूसरी वैल्यू जो मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ वो प्लस में हुई, ठीक है, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन
वी हैव टू पुट द माइनस साइन इन द फाइनल आंसर. ओके, तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे मैंने लिखा 2 × 7 और इसमें मैंने लगा दिया माइनस, तो यहाँ पहले तो मुझे साइन देखना ही नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई करना है. 2 × 7 = 14 लिख दिया मैंने. अब मुझे देखना है रूल, है ना. तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो मेरी फाइनल वैल्यू में भी क्या लग जाएगा, माइनस. अगेन यहाँ पे 7 बड़ा है, लेकिन मैंने मल्टीप्लिकेशन के केस में हमें बड़ी वैल्यू का साइन नहीं लगाना पड़ता है. क्लियर है. और लो −8 × 4, तो पहले मल्टीप्लाई करो, 8 × 4 = 32, ठीक है. और माइनस प्लस, ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है. बड़ी वैल्यू का साइन नहीं देखना है. अगेन नाउ फोर्थ केस क्या कहता है हमसे, कि अगर हमारी पहली वैल्यू माइनस में हुई, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है दूसरी वैल्यू से, और जो दूसरी वैल्यू का साइन है वो भी अगर मेरा माइनस में रहा, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी उसका जो साइन रहेगा वो मेरा प्लस में रहेगा. क्लियर है. चलो एग्जाम्पल से देखो, −2 × −7, बिना सोचे पहले मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 7 = 14, फिर रूल देखो, माइनस माइनस क्या प्लस, तो 14 का साइन क्या रहेगा, प्लस का रहेगा. एक और देखो, −8 × −4, मल्टीप्लाई करो, 8 × 4 = 32, दोनों माइनस में, इसलिए फाइनल वैल्यू का साइन क्या लगेगा, प्लस लगेगा. तो इस तरीके से ये होते हैं रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हमें ये नहीं देखना रहता है फाइनल वैल्यू में कि जो वैल्यू बड़ी होगी उसका साइन लगेगा, ठीक है. डायरेक्ट हमें इस रूल के अकॉर्डिंग साइन लगाने पड़ते हैं. सब क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कोई भी अगर आपको डाउट हो, या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं. सारे डाउट क्लियर होंगे आपके, और मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा. ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ डिवीज़न. डिवीज़न के भी रूल्स ज़रूरी हैं पढ़ने, ठीक है, जिसमें हम साइन के बारे में बात करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके गाइस.